अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का ये व्लॉग जो है ना वो किचन से ही स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज मैंने जो है ना वो थर्सडे नाइट को ही कस्टर्ड प्रिपेयर करके रख दिया था ताकि जुम्मे को वो जो है ना अच्छे से चिल हो जाए, बिकॉज इसको अच्छा खासा टाइम लगता है एक परफेक्ट उस पर आने पर, तो तभी जो है ना इसको खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने 1 लीटर मिल्क लिया था, उसमें जो है ना 1/2 कप मैंने शुगर ऐड की जब वो बॉयल हो गया था, और एक साइड पे 1 कप मिल्क में 1 कप कस्टर्ड पाउडर वनीला वाला डाल के उसको डिसॉल्व कर लिया। ये चीनी और उसमें बॉईल आया तो वो मैंने उसमें डाल लिया। और आपको पता है कि किस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं, जैसे वो कम्प्लीटली बन गया था तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद बारी आई थी फ्रूट काटने की, लेकिन उस टाइम पर टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, और पहले मैं लाउंज में बैठ के ही काट रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कमरे में आके जो है ना मैं इसको कट कर लूँ। तो बस वहाँ पर ही बैठ के मैंने जो है ना फ्रूट कट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये है कि मैंने इसमें यूज़ किए थे एप्पल, बनाना और कॉकटेल, लेकिन आप जो है ना वो अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो है ना वो यही चीज़ें बेस्ट लगती हैं, एप्पल बनाना वगैरह जो है ना यही अच्छे लगता है कस्टर्ड में ज़्यादा। और इसका कस्टर्ड का जो फ्रूट होता है ना वो हमेशा थोड़ा सा मीन्स बड़े चंक्स में काटते हैं ताकि वो जल्दी पानी ना छोड़े फ्रूट। और जो भी बनाना का भी अगर कोई भी जो पार्ट है ना वो ख़राब हुआ है तो वो आपने रिमूव कर दें ताकि बिल्कुल भी आपका कस्टर्ड ख़राब ना हो। तो इसी तरह मैंने सारा जो है ना वो फ्रूट कट कर लिया था। अभी वीडियो में जो है ना आपको बड़े जल्दी जल्दी लग रहा है कि जल्दी जल्दी से कट हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है भाई। और मैं जो हूँ ना वो बस मुझे होता है कि बस बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी जो है ना वो कटिंग हो सारे फ्रूट की। तो बहरहाल ये भी हो गया था, और साथ ही मैंने एक कॉकटेल का जो है ना वो बॉक्सिंग भी निकाल के रखा हुआ था पहले से, तो ये कि उसको भी आपने स्ट्रेन कर लेना, पानी सारा उसको रिमूव कर देना ताकि कस्टर्ड में बिल्कुल भी आपका पानी ना हो, वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ही रहे उसका। अब जब तक मैं क्रीम व्हिप करती तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से चिल ही रहे फ्रूट और इसका कलर भी चेंज ना हो। और यहाँ पे मैंने यूज़ की है जी व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग व्हिप वाली, उसमें जो है ना मैंने 2 कप तकरीबन यूज़ की है। और इसको जो है ना सबसे पहले आपने अच्छे से व्हिप करना है, इसको बिल्कुल उतना व्हिप नहीं करना आपने कि जैसे हम केक के लिए करते हैं, बिल्कुल स्टिफ़ पीक्स नहीं होने चाहिए, बस थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सी क्रीम हो। और जो कस्टर्ड है वो भी मेरा ठंडा हो गया था, उसको मैंने जो है ना वो एक बाउल में निकाल के रख दिया था ताकि बस अभी जो है ना रात को ये काम ख़त्म हो जाए, तो बस इसमें डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। तो ये भी जो है ना वो मैं अपने कमरे में ही ले आई थी इसको भी करने के लिए, बिकॉज़ एक तो शोर बहुत हो रहा था, सब सोए हुए थे, दूसरा मुझे डर लग रहा था। बस किचन में जाके बस मैंने इसमें फ्रूट मिक्स किया था और इसको जो है ना इसी तरह से ही मैंने उठा के रख दिया था फ्रीज़र में कवर करके। इसका टेक्स्चर जो है ना आप चेक कर सकते हैं वो कितना क्रीमी है। और कस्टर्ड जो होता है ना इसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा नहीं आपने करनी, मीन्स 1/2 और 1/2 की रेशो होगी दोनों की, तो ही जो है ना ये इसके अंदर क्रीमीनेस आएगी। अच्छा, अब इसमें जो है ना साथ मैंने जो फ्रूट कट करके रखा था वो सारा मैं डाल दूँगी, और साथ ही आप नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किए, वरना लेकिन आप उनको भी रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन बस मैंने इसी सारे फ्रूट्स को सारा अच्छे से मिक्स किया और इसको जो है ना वो फिर मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। सो नाउ फाइनली इट्स फ्राइडे टुडे, और एज़ ए रिचुअल जो है ना वो हमारे यहाँ पे होता है कि फ्राइडे को प्रॉपरली रेडी होना है, तो आई जस्ट गॉट रेडी और नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद पहला काम जो है ना वो मैंने कस्टर्ड का ही किया था, जेली जो है ना उसकी बना के रखी है, और बाकी पे केक वगैरह मैंने मंगवा लिया था, बस उसको भी जो है ना आपने 4-5 स्लाइसेस जो है ना वो क्यूब्स में कट करके केक के बीच में ऐड कर दिए थे, और बाकी कुछ स्लाइसेस जो थे ना वो मैंने ऊपर से डेकोरेशन के लिए रखे थे, तो बस ये क्यूब्स कट कर लिए हैं और इसको जो है ना कस्टर्ड में अपने बीच में मिक्स कर देना है। केक जो है ना वो आपने रात को मिक्स नहीं करना ताकि, क्योंकि अगर आपने पहले ही मिक्स कर देंगे तो वो सॉगी हो जाएगा केक, तो इट इज़ बेटर कि जिस दिन आपने सर्व करना उसी दिन ही आप इसमें केक ऐड करें। उसके अलावा जेली भी जो है ना वो कभी भी कस्टर्ड के बीच में नहीं डालते क्योंकि सारे कस्टर्ड का कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो ऊपर डेकोरेशन के लिए जो है ना वो जेली का यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जेली मैंने प्रिपेयर कर ली थी लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गर्म थी अभी, तो इसलिए मैंने इसको कस्टर्ड के साथ ही जो है ना वो एक दफ़ा फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और फिर जो है मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो बस फिर बाद में इसको मैंने डेकोरेट कर दिया था, ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद सबने खाना वगैरह खाया और कस्टर्ड भी सबने खा लिया था। यहाँ पर जो है ना कोई मैच चल रहा था किसी टीम का, पाकिस्तान की नहीं थी, कोई और टीम सी, और शाम हो गई थी तो
मैंने बस चाय बनाई सबके लिए और उसके बाद जो है अपने लिए कॉफ़ी बनाई। और इतने में जो है ना वो थोड़ी देर बाद दाऊद आ गया था। चाय जो है ना वो मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए कॉफ़ी जो है वो मस्ट है, तो बस इसलिए ही। और एवरीडे वाली कॉफ़ी जो है ना वो मैं पीती हूँ, तो बस वो ईजली से बन जाती है, बस उसको जल्दी से बनाया और साथ ही दाऊद आ गया था। छक्का कर दो, छक्का लाओ। तोता कहाँ है? तोता दाऊद, छक्का। ओ अबू, अबू रहते हैं ऊपर। कक्का छक्का कर दो बस। तोता कहाँ है? तोता, तोता हाँ। दो तीन घंटे दाऊद मेरे पास ही रहा था, उसके बाद वो चला गया था। इसका घर भी जो है ना वो मेरे घर के पास ही है। उसके बाद रात को मैं और हनान आ गए थे ड्रैगन वॉक, इट इज़ लोकेटेड इन कैंट। और यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो चाइनीज़ मिलता है। और उस दिन मुझे इतनी की क्रेविंग हुई थी चाइनीज़ खाने की कि मैंने कहा कि बस खाना ही खाना है। एंड इट्स वेरी क्यूट स्मॉल सी प्लेस है, लेकिन जो है ना जो भी चीज़ें ये सर्व कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक एक फ्लेवर है। और उसके अलावा जिनके 3-in-1 कॉम्बोज हैं दोज आर वेरी गुड। तो बस हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया था और साथ ही एक 3-in-1 कॉम्बो ऑर्डर किया था हमने। तो उसमें ये होता है कि उसमें फ्राइड राइस और ग्रेवी और साथ में जो होता है ना वो चाउमीन, तीनों चीज़ें जो होती हैं ना वो एक ही बाउल में होती हैं। तो इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का मैं आपको बता रही थी कि दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। आप लोगों में भी अगर कोई मुल्तान में रहता है तो आई थिंक यू शुड मस्ट ट्राई दिस। और यहाँ पे हमारा कॉम्बो भी आ गया था, इसी का मैं आपको बता रही थी कि इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा बहरहाल जो है ना अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब इसके बाद जो है ना वो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक जो है ना वो आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।